आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर हाजिर है आपके सामने पत्रकार वार्ता लेकर। आज की पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ पत्रकार श्री जय नागड़ा जी हमारे साथ में हैं। जय नागड़ा जी का बहुत लंबा अनुभव पत्रकारिता का है। आज हम मांधाता विधानसभा चुनाव को लेकर नागड़ा जी से बात करेंगे। नागड़ा जी ने मांधाता विधानसभा चुनाव को काफ़ी करीब से देखा है, वहाँ के दोनों प्रत्याशियों को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, स्थानीय मुद्दों पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। तो हमारे साथ में मौजूद हैं इस समय श्री जय नागड़ा जी। हम बात करेंगे नागड़ा जी से। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम आपसे बात करना चाहेंगे मांधाता विधानसभा चुनाव को लेकर। मांधाता विधानसभा चुनाव को आपने बहुत करीब से देखा है, सारे प्रत्याशियों को आप जानते हैं, स्थानीय मुद्दों पर भी आपकी अच्छी पकड़ है। तो हम मुद्दों से ही पहले शुरुआत करते हैं कि मांधाता विधानसभा चुनाव में इस समय कौन से मुद्दे हैं जो वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, ये जो चुनाव है ये पिछले सारे चुनाव से बहुत अलग चुनाव है, एक अलग मिजाज का चुनाव है। इसके पहले सारा ध्रुवीकरण कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होता था या जातिगत उसके आधार पर होता था। जो मैं देख रहा हूँ ये चुनाव पिछले चुनावों से इसलिए भिन्न है कि इसमें मुझे बीजेपी तो पूरी हाशिए पर खड़ी दिख रही है। इसमें कांग्रेस के ही दो गुट ये कह लेने कि आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। एक का चुनाव चिन्ह जो है वो एक कांग्रेस का ही मूल रूप से व्यक्ति है जो इस समय बीजेपी में आके कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहा है, और एक कांग्रेस का जो हाथ का चुनाव चिन्ह है उस पर चुनाव लड़ रहा है। तो बीजेपी कहीं मुझे पूरे चुनाव में ठिठकी हुई दिख रही है। कार्यकर्ता बड़ा असमंजस में है, यहाँ तक कि मुझे तो लगता है कि खुद कैंडिडेट तक बड़ा असमंजस में है। एक चुनावी सभा में उन्होंने खुद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के लिए वोट मांग ली। तो ये आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। जहाँ तक मुद्दे हैं तो निश्चित रूप से ये खंडवा का सबसे विकसित विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर देश की सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा सागर परियोजना वहाँ पे है, ओंकारेश्वर परियोजना यहाँ पे है, थर्मल पावर स्टेशन वहाँ पे है, सड़कें बहुत आगे वहाँ की डेवलप हैं। तो मुझे लगता है कि विकास तो वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा दूसरी विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी हुआ है। अब रोजगार जरूर एक बड़ा मुद्दा है, बेशक रोजगार है कि वो सारी इतनी परियोजनाओं के बावजूद इसका लाभ वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाया। कांग्रेस इस बार लोगों को आश्वासन दे रही है कि हम 70% स्थानीय लोगों को वहाँ पर रोजगार देंगे। कांग्रेस ये कुछ कर पाएगी क्या? देखिए, जहाँ तक नेताओं की बातों पर लोगों का वैसे ही भरोसा उठ चुका है, चाहे वो कांग्रेस के हों, या तो आश्वासनों से कोई बहुत फर्क पड़े, आश्वासनों पर कोई बहुत भरोसा करे, मुझे नहीं लगता। वहाँ लगातार जो स्थानीय युवक हैं नौकरियों को लेकर, बीच में कुछ लोगों को वहाँ पे नौकरियों पे लगाया भी था फिर बाद में निकाल दिया, इसे लेकर हर बार लगातार मतलब परियोजनाओं में विवाद की स्थितियाँ निर्मित होती रही हैं। हमेशा परियोजना से जुड़े लोग ये कहते रहे हैं कि हमें कुशल लोग चाहिए और यहाँ पर कुशल लोग नहीं हैं। स्थानीय लोगों को अगर कुछ रोज़गार भी मिलता है तो वो बहुत मामूली से मजदूरी वाला काम मिलता है, लेकिन वो भी स्थायी नहीं होता है। इसके लिए कुछ मतलब शासन के पास योजना होनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर भी बन सकता है। पानी की कमी नहीं है यार, बिजली की कमी नहीं है, ज़मीनों की कमी नहीं है, कनेक्टिविटी सब जगह से है, लेबर सबसे अच्छी वहाँ पर है, सारी चीज़ें। सबसे बड़ी जो औद्योगिक शांति इंडस्ट्रियल पीस जिसको बोलते हैं वो वहाँ पे है। जैसे कई जगह पे ये सारी अनुकूलताओं के बावजूद वहाँ पे ट्रेड यूनियन ये सब इतनी होती है कि बड़े ग्रुप वहाँ पे जाने से ठिठकते हैं। यहाँ पर फिलहाल इतनी मध्य प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल समिट हुई, बड़े व्यापारियों को बुलाया, बीजेपी गवर्नमेंट ने भी बुलाया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोले, लेकिन एक ने भी इस जगह पर इंडस्ट्रीज को लाने के लिए किसी ने प्रमोट नहीं किया। हालांकि क्या यहाँ पर सीमेंट है कि यहाँ पर हम नई इंडस्ट्रीज लेकर, यहाँ पर सीमेंट की कई इंडस्ट्रीज ला सकती हैं, और जब एक सीमेंट की फैक्ट्री यदि डलती है तो उसके साथ कई कनेक्टेड, लेकिन इतनी सारी सकारात्मक चीज़ों के बावजूद यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि यदि आप क्यों केवल नौकरियों के लिए ही सोचते हैं, क्या यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ये अच्छे उद्यमी हो सकते हैं, अच्छा कारोबार कर सकते हैं, और वही लोकल लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं। और रोज़गार को लेकर ये सही बात कही नागड़ा जी ने
कि यहाँ पर जो थर्मल पावर है उससे जो राख निकल रही है वो राख सीमेंट के लिए सबसे ज़्यादा काम की होती है। जो भी सीमेंट बनता है उसका ना 70% इसी तरह की राख का इस्तेमाल होता है। अभी फिलहाल ये लोगों के खेतों में जा रही, लोग परेशान हो रहे हैं इससे। अगर इसका सदुपयोग किया जाए, स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाए, नए लोगों को वहाँ पर स्टार्टअप कुछ करवाया जाए, तो शायद ये लोग सीमेंट स्थानीय स्तर पर भी बना सकते हैं। निश्चित रूप से इसके लिए बड़ी कंपनियां भी यहाँ पर आ सकती हैं। इन्होंने पिछली समिट में बात कही थी कि कुछ बड़ी कंपनियां जैसे महिंद्रा है और बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़े बड़े पैकेज लेकर के यहाँ आने वाली थी, तो ये सारी जो परियोजनाएँ थी ये सिर्फ हनुमंतिया के लिए आने वाली थी ये लोग? नहीं नहीं, देखिए ये जो सारी बातें हुई हैं, हमारे यहाँ जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम टोटलिटी में नहीं देखते। हनुमंतिया को आपने हाईलाइट तो ऐसा कर दिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो टूरिज्म सेंटर हो, लेकिन व्यवस्थाएं देखिए, आप खंडवा से जा करके आप बूंदी जाने में आपकी हालत ख़राब हो जाती है, इतना ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट आएगा, वहाँ के क्रूज़ की आप हालत देख लीजिए, और फिर यहाँ का पूरा क्लाइमेट और ये सारी चीज़ें कहीं फेवर नहीं करता। केवल एक एक व्यक्ति का बस मन आ गया कि आपको इसको डेवलप, तो हम सारी चीज़ों को डेवलप करें। यदि हम एक टूरिज्म का एक अच्छा स्पॉट बनाना चाहते हैं तो केवल एक हनुमंतिया के लिए कोई नहीं आएगा, आपको एक पूरा सर्कल डेवलप करना पड़ेगा, आपको ओंकारेश्वर को डेवलप करना पड़ेगा, महेश्वर को डेवलप करना पड़ेगा, जब मांडो को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। एक आदमी आए कम से कम 4-5 दिन का एक धार्मिक सर्किट भी बनाया था इन्होंने बीच में, एक धार्मिक सर्किट बना करके। देखिए ये सारी बातें केवल बयानों तक और कागजों तक रहती है। आप बताइए कि क्या हमारे इंदौर से आने वाला आदमी की इस समय रोड की क्या कंडीशन है? आप बिना न कोई हमारे पास एयर स्ट्रिप है न कोई वो, हम बातें केवल करते हैं, लेकिन यदि आप बहुत बेसिक, यदि किसी बड़े उद्योगपति को यहाँ लाना है, खंडवा में इतनी बड़ी एक एयर स्ट्रिप है, इसको डेवलप किया जा सकता है, लेकिन कोई प्रयास नहीं हुआ। तो पिछली बार तो इसको डेवलप किया भी था, 10 करोड़ रुपये लगा करके उसका पूरा उन्नयन किया था, उसके शायद रनवे को भी बढ़ाया था। आप केवल जब आप किसी को आप तैयार करते हैं तो क्या केवल आप शर्ट पहन लेते हैं? पैंट भी वैसे ही चाहिए आपको, जूते भी वैसे ही चाहिए। आप कभी शर्ट पहना देते हो तो पैंट छोड़ देते हैं, पैंट पहना देते हो तो जूते नहीं पहनाते। टोटलिटी की बात होती है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपने एयरपोर्ट बना दिया और एयरपोर्ट तक जाने का रास्ता इतना ख़राब है कि आदमी तो कोई जाएगा क्या? आप एयरपोर्ट पर ध्यान दे रहे हैं तो पूरा बजट आपने वहाँ खर्च कर दिया, सड़क का ध्यान ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको टोटली, और सबसे इसके लिए बहुत कमिटमेंट की ज़रूरत है। मेरे को आज तक एक भी स्थानीय नेता में डेवलपमेंट को लेकर के वही कमिटमेंट नजर नहीं आया। उनकी सारी ऊर्जा केवल एक चुनाव जीतने भर में रहती है, कोई उनके पास ना विजन है ना कोई कल्पना है हमारे क्षेत्र के विकास को लेकर। मांधाता में राजनाथ सिंह बड़े नेता माने जाते हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं वो। इस बार उन्होंने अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारा है। राजनाथ सिंह जी ने अपने समय में क्या काम किए हैं वो कुछ ध्यान है आपको? देखिए काफ़ी कुछ क्रेडिट इसमें कोई दो राय नहीं कि हालांकि ये परियोजना केंद्र सरकार की थी, राज्य सरकार की थी, इसमें ये कहें कि स्थानीय लोगों का भूमिका कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन बावजूद एक सकारात्मक भूमिका उनकी रही है। और इवन मुझे लगता है कि डेवलपमेंट को लेकर के जितना काम राजनारायण सिंह जी ने किया है उतना ही काम बीजेपी के लोकेंद्र सिंह तोमर ने भी किया है। लोकेंद्र सिंह तोमर इसमें कोई इस बात को हम दरकिनार नहीं कर सकते कि खंडवा से लेके भोपाल का जो रोड है उसकी जो बहुत ही अच्छी स्थिति है उसकी क्रेडिट निश्चित रूप से लोकेंद्र सिंह जी को जाती है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर डेवलपमेंट के आधार पर कहाँ प्रत्याशी को न टिकट दिया जाता है न जनता चुनती है। इस बार भी चूंकि कांग्रेस छोड़ करके नारायण पटेल बीजेपी में आए हैं, उन्हें टिकट दिया गया है, स्थानीय स्तर पे उनका काफ़ी विरोध हो रहा है। अभी कल की ही एक घटना है, एक गांव में गए थे जलकुआ में, वहाँ से लोगों ने उन्हें गांव में जनसंपर्क नहीं करने दिया, गांव से वापस भगा दिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं क्या ये चुनाव परिणामों को प्रभावित करेंगी? देखिए निश्चित रूप से आप यदि अनपॉपुलर हैं तो लोग क्यों आपको वोट देंगे जी? यदि आप लगातार ये चीज़ें आ रही हैं और बीजेपी का कार्यकर्ता खुद महसूस कर रहा है कि बड़ी मजबूरी में वो काम कर रहा है, अंदर से कहीं जुड़ नहीं पा रहा है। मैं तो एक देखता हूँ कि जैसे एक आप यदि कल्पना कीजिए कि एक एक अधेड़ उम्र का कोई व्यक्ति है जिसका अपना परिवार है, अच्छी सुशील पत्नी है, बच्चे शादी लायक हैं जी, और वो केवल अपनी माली हालत सुधारने के लिए किसी एक परित्यक्ता को बच्चों समेत कोई रईस करके अपने घर ले आए
और घर में उसी महिला की चले, उसके बच्चों की चले, बाकी बिल्कुल सौतेले बच्चों जैसा व्यवहार हो, उस घर का माहौल क्या होगा? कुल मिला के बीजेपी का दृश्य वही दिखता है। सही बात है। एक घुटन भरा, यदि आप अंदर से पूछेंगे, वो तो संघ का दबाव है, शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बने रहना है, लेकिन उस कार्यकर्ता के हिस्से में क्या आ रहा है? जिसने आप आखिर कौन सी चीज़ है जो आपको आगे इंस्पायर करेगी काम करने के लिए? कल तक आप जिस व्यक्ति के खिलाफ खूब आरोप लगाते रहे, खूब जिसके खिलाफ आप बोलते रहे, आज यदि उसी के फेवर में वोट मांगना है तो उसे भी तो कहीं ना कहीं, आप मशीन नहीं है कि आप बटन दबा दिया आप चेंज हो गए। हाँ, यहाँ पे लोगों की मानसिकता काम करती है बेशक। आप और यदि हम कहें कि संघ का दबाव या ये वो, तो ये सारी चीज़ें कितना असर करेंगी? और पूरे मध्य प्रदेश भर में यही दृश्य, ऐसा माना जा रहा है कि मानदाता विधानसभा चुनाव, विधानसभा में भाजपा की तरफ से जो लोग दावेदार रहे हैं, प्रबल दावेदार सुना है, वो है तो साथ में, लेकिन अंदरूनी रूप से शायद नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी चक्कर में बीजेपी में मैं थोड़ा सा कांग्रेस से माहौल अलग होता है, वहाँ नाराजगी जरूर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि इस पार्टी से बाहर गए या निकाले गए तो कहीं और के रहेंगे नहीं संगठन, तो इसलिए कहीं ना कहीं संगठन का दबाव या संघ का दबाव, उसमें इस तरह की अनुशासनहीनता की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती नहीं। ठीक है, लोगों का गुस्सा निकलता है, तो मुझे ये नहीं लगता कि उनका बहुत असर वो कर पाएंगे। अगर सत्ता पक्ष की जो सोच है उसके विपरीत परिणाम आते हैं तब इस चीज़ को माना जाएगा? देखिए, सामान्य तौर पे मुझे लगता है कि उपचुनाव जो होता है उसमें सत्ता का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और चूंकि इसमें पूरे शासकीय प्रशासकीय जो संसाधन है तंत्र लगा वो तंत्र लगा होता है, तो उपचुनाव में यदि रूलिंग पार्टी हारती है तो बहुत बड़ी बात होती है, हाँ। और यदि विपक्ष जीतता है तो भी बहुत बड़ी बात होती है, तो सामान्य रूप से ये सारी चीज़ें फेवर करती हैं रूलिंग पार्टी को जी। और ये यदि अगेंस्ट जाती है तो ये बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होगी। मानदाता में इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से भी कोई और दावेदार रहे थे जो ज़्यादा प्रबल हो, या उन्हें दरकिनार करके इन्हें टिकट दिया गया? देखिए, ये तो जिस दिन इन सारे विधायकों ने इस्तीफा दिया था तो समझौते में ये चीज़ें मतलब बिल्कुल पहले से ही घोषित थी, और ये इनको तय था कि इसलिए कोई किसी ने प्रयास नहीं किया, ये तो वैसी ही बात थी कि एक तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार जो है उनको टिकट देना था और इनको वो करना था, बीजेपी की मजबूरी थी। बीजेपी खुद इस बात को मानती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही ये सत्ता परिवर्तन हो पाया, शिवराज सिंह बन गए, तो आज की तारीख में पूरी तरह से सत्ता का केंद्र ज्योतिरादित्य सिंधिया है, और ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी बताया गया है जी। मानदाता विधानसभा चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं श्री जय नगड़ा जी से, हम आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद हम आप बात करेंगे नगड़ा जी से, मानदाता विधानसभा चुनाव में जातिगत क्या समीकरण बन रहे हैं। आज हमारे खंडवा शहर के लिए, हमारे निमाण के लिए हर्ष की बात है कि लोकतंत्र में इस प्रकार की मान्यता है कि लोकतंत्र में चतुर्थ स्तंभ के रूप में हम मीडिया को मानते हैं, और मीडिया में भी जहाँ एक ओर प्रिंट मीडिया वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और जिस तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तत्काल खबर और तत्काल से भी तत्काल, इस प्रकार एक देख रहे हैं कि नित नई उसमें प्रतिस्पर्धा और नित नई खोज हो रही है, और जनता को और आसानी से खबर पहुंच रही है, ऐसे समय में आज हमारे खंडवा के लिए, पूरे निमाड़ के लिए, प्रदेश के लिए हर्ष की बात है कि SW24 चैनल आज से हमारे खंडवा शहर में भी शुरू होने जा रहा है। मैं पूरे शहरवासियों को इस नए चैनल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित ही SW24 चैनल आने वाले समय में हमारे शहर में एक निष्पक्ष तरीके से, साथ ही साथ उन खबरों को जिनको आवश्यकता है एक प्लेटफार्म की, उन्हें वे प्लेटफार्म देने का काम करेगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, ये चैनल खूब तरक्की करे और साथ ही साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। बहुत खुशी की बात है कि हमारे शहर के अंदर हम लोग जिस तरीके से सांस्कृतिक गतिविधियों में उन्नति कर रहे हैं या राजनीतिक परिवेश में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हम हमारे देश का चौथा स्तंभ, जो जिसे हम इस देश की आधारशिला बोल सकते हैं,
वो भी हमारे शहर के अंदर अपनी उन्नति कर रही है। इसी उपलक्ष्य में मैं SW24 को बहुत सारी हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं। हम लोग भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी और बढ़ रहे हैं, तो ये जो चैनल है इनके जो लोग भी इसको चलाने वाले लोग हैं उनको मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से ढेरों हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं। धन्यवाद। SW24 चैनल खंडवा से भी शुरू हो रहा बड़ी हर्ष की बात है और मीडिया जगत का एक नया आयाम शुरू होगा। आशा की जाती है कि यह अपने समाचारों के माध्यम से जिले और इस क्षेत्र की जनता का यानी समाचारों नए नए समाचार देकर उन्हें पहुंचाएगा। और बड़ी खुशी की बात है कि विजयादशमी दशहरा का भी पर्व आ रहा है, इस उपलक्ष्य में सभी भाइयों को, सभी लोगों को, जिलेवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं तथा इस चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और इस जिले में जो ये शुभारंभ हो रहा है इसका, ये इसके जिले के लोग लाभान्वित होंगे, ऐसी आशा की जाती है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है जानकर कि खंडवा में एक और नया चैनल SW24 चालू होने जा रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अपार हर्ष की बात है। खंडवा में वैसे भी काफ़ी चैनल हैं लेकिन एक और चैनल की यहाँ पर आवश्यकता थी जो जनता से जुड़े हुए आम मुद्दे उठा सके, जिसमें आम पब्लिक भी, आम जनता भी अपनी बात खुले मन से रख सके और छोटी छोटी बातों को भी उसमें उठाया जा सके। मेरी ओर से और मेरी संस्था चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से इस चैनल के प्रति शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उम्मीद रखता हूं कि सकारात्मक पत्रकारिता देखने को मिलेगी और जनता से जुड़े हुए मुद्दे समय समय पर उठाए जाते रहेंगे। मैं कमल नागवाल, प्रवक्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले मैं SW24 चैनल की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जो कि अभी खंडवा में प्रारंभ हुआ है। आपकी चैनल खंडवा, खंडवा के आसपास की सभी जानकारियों को, सभी सूचनाओं को तुरंत पहुंचाने का काम हम सब तक करेगी। एक बार पुनः आपकी टीम, पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही खंडवा वासियों को आने वाले त्यौहार दशहरा, दिवाली, इसकी बहुत शुभकामनाएं। साथियों, दोस्तों, मित्रों, अभी COVID-19 का समय चल रहा है, अभी हम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। हमें हमारा त्यौहार उतने ही उत्साह से मनाना है, साथ ही हमको सुरक्षा के प्रति भी जागरूक रहना है। हम जागरूक रहेंगे तो ही हम इस महामारी से निपट सकते हैं। कृपया आप मास्क का प्रयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की रखने का पूरा प्रयास करें और कोशिश करें कि हम इस महामारी से जल्द से मुक्त कर सकें और स्वच्छ रहें। खंडवा को स्वच्छ बनाने के अभियान में नगरपालिक निगम का भी साथ दें और हम सब अपने आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रखें। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ और एक बार पुनः SW24 चैनल को बहुत बहुत बधाई। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। स्वागत है जयनागला जी आपका। हम बात कर रहे थे मांधाता विधानसभा चुनाव की। मांधाता विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, इस बार भी क्या जातिगत समीकरण रहेंगे, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये सच है कि काफ़ी हद तक वहाँ पे गुर्जर वोटों का और राजपूत वोटों का ध्रुवीकरण होता है और टिकट का वितरण भी इसी आधार पर किया जाता है, गुर्जर और राजपूत आधार पर। अब लेकिन बहुत समय तक अब ये सारा वोटर भी कहीं ना कहीं जिसको कहना चाहिए पार्टी के साथ प्रतिबद्धता और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही हैं। लेकिन इस समय देखिए, यदि पिछले चुनावों का अंतर देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था जी। पिछले चुनाव में मतलब तो इसका मतलब ये कि हम ये कहें कि प्योरली जातिगत आधार पर ही यहाँ पर वोटिंग होता है, ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे इशूज़ हैं। कई बार ये भी होता है कि जिस जाति के आप लोग हैं ये मान के चलते हैं कि इसके वोट तो आपको मिलने ही हैं, आप उनके साथ
बात नहीं करते, उनके साथ आप वोट मांगने नहीं जाते, तो पता चलता है कि वही एक उल्टा रिएक्शन हो जाता है, आपके लोग ही आपको निपटा देते हैं। सही बात है। तो हम ये कहें कि वो केवल एकमात्र आपका आधार है और उसी आधार पे यदि जीत जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि फिर तो बीजेपी को निश्चिंत हो जाना चाहिए। क्यों मुख्यमंत्री वहाँ पर आके 3-3 बार सभाएँ कर रहे हैं, क्यों बड़े बड़े नेता आ रहे हैं? कहीं ना कहीं पार्टी ये मानती है कि जातिगत आधार है, लेकिन ये जातिगत आधार पे आपको थोकबंद आपके ये बिल्कुल आपके कमिटेड वोट हैं कि आप ही को मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। अच्छा, दूसरा ये भी है कि मतदाता विधानसभा चुनाव में शायद सबसे ज़्यादा जो मतदाता हैं वो आदिवासी समुदाय से, तो दूसरे नंबर पे गुर्जर आते हैं, ये सच है ना? वहाँ पे बंजारा भी हैं, बंजारा जाति के भी लोग हैं और आदिवासी भी हैं। और देखिए, ये खंडवा जिले की एकमात्र सामान्य सीट है, सामान्य सीट है जी, तो इसलिए इस पर सभी नेताओं की निगाहें लगी रहती हैं और सभी का अपना, इसलिए ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण है। विकास की दृष्टि से देखें तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र ये है जो विकसित है। मतलब ये माना जा रहा है कि वहाँ पर जो आदिवासी मतदाता हैं उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए जो राव परिवार है वहाँ से जितेंद्र सिंह खड़े हुए हैं, इस बार पहली बार राजघराने से कोई चुनाव में खड़ा हुआ है, तो वो कितना प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, ये सब जहाँ तक वहाँ पे टोटल 8 उम्मीदवार हैं जी, इसमें यदि हम खंडवा अपना कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बसपा की बात करें, हाँ, और बाकी 5 निर्दलीय प्रत्याशी हैं जी। निर्दलियों का केवल चुनाव के पहले तक ही हल्ला होता है और चुनाव के बाद उनकी जमानत भी बच जाए तो बहुत होती है। हमने इतने चुनाव में, अनलेस की बहुत ही कोई प्रभावशाली नेता शिवकुमार सिंह जैसा हो जो निर्दलीय प्रभावित करता है, ऐसा कोई वो दिखता नहीं। और लोगों को भी पता होता है कि निर्दलीय को वोट देना कोई बहुत फ़ायदेमंद नहीं है, वो वोट वेस्ट ही हो रहा है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा असर करें वो थोड़ा सा तनाव पैदा कर सकते हैं किसी प्रत्याशी। मतदाता राजघराने को लेकर वहाँ पे आदिवासियों में काफ़ी सम्मान और वो वाला भाव उनमें हमेशा रहता है, जैसे दशहरे में भी जो बहुत बड़ा एक आयोजन होता है वो उसी राज परिवार। देखिए, मैं यदि इसको बात करूँ कि आप पिछले चुनाव में नर्मदा घाटी विकास से जुड़े आलोक अग्रवाल जी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बन के लिए, और ये लगा कि ये नर्मदा बेल्ट में तो इनका एक तरफा जाएगा, बहुत काम किया भी है उन्होंने, निश्चित रूप से उन्होंने काम किया, उनकी सभाओं में हजारों की तादाद में लोग आते थे, लोगों से जुड़े हुए थे, लेकिन जब चुनाव हुए तो नतीजे क्या हुए? तो ये आपको आपकी रिपोर्टिंग में आपको थोड़ा भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन लोगों को कोई भ्रम नहीं होता। मुझे लगता है कि हम मीडिया थोड़ा सा भ्रमित हो जाए, लेकिन वोटर बहुत क्लियर होता है, उसका उसके आकलन बहुत स्पष्ट होता है। जातिगत समीकरणों के बाद में एक दूसरा समीकरण जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है पैसे वाला। पैसे को लेकर भी लग रहा है कि इस बार का बहुत महंगा चुनाव होने वाला है ये, हालांकि उतना जो बाज़ार में जो चमक धमक होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि अंदरूनी रूप से पैसा खूब चल रहा है इसमें, तो पैसे को लेकर के क्या राजनीति हो सकती है? निश्चित रूप से जिस तरह की गिरावट पूरे सिस्टम में आई है और ये मानसिकता जो हर दल की बनती है कि हम वोटों को प्रभावित नहीं कर पाए तो उन्हें खरीद लो जी, और इसके लिए अब ये हो गया है कि उन्हें भी पता है कि हम सीधे सीधे जो फ़ायदा किसी को पहुंचाएं और उसको वोटों में तब्दील कर लें। आप देखिए कि इसमें किसी भी पार्टी को न अपनी छवि की चिंता है जी, ना वो मीडिया की कोई चिंता कर रहा है जी, और ना मीडिया कवरेज की कोई चिंता कर रहा है। सही। तो निश्चित रूप से वो आखिर किस आधार पे ये सब कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें कहाँ से वोट मिलना है और हमने कहाँ, तो उनका जो सारा मैनेजमेंट है जी, वो उन वोटों को ही खरीदने का है उस, और बाकी कोई प्लानिंग की आप सोचें कि बहुत जनसंपर्क, बहुत सभाएं या वो सभाएं चूंकि एक औपचारिकताएं करनी होती है, ये पार्टी कर रही है तो हमें भी करनी है, मतलब नेताओं ने अपनी मानसिकता बना ली है कि अगर वो बिक सकते हैं। देखिए, ये कई बड़े नेता मध्यप्रदेश में ये कह चुके हैं कि चुनाव मैनेजमेंट से जीता जाता है जी, है ना, लेकिन अनुभव ये कहता है कि हमेशा ज़्यादा पैसा खर्च करने से ही आप चुनाव जीतेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। बहुत जगह पे ये हुआ है कि पिछले चुनाव में जिन्होंने बहुत पैसा खर्च किया जी, क्योंकि वोटर बहुत होशियार हो गया है, वो पैसा भी ले लेगा लेकिन वो आपको वोट देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। मूलतः आदिवासी बेल्ट है, किसानों का बेल्ट है मानदाता, और किसानों की बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर। पिछली बार जो फसलों का नुकसान हुआ है उसके
बीमे को लेकर लोगों में नाराजगी है, लोगों का ये कहना है कि मतलब वो उनको 4 रुपये मुआवजा मिला है। दूसरा एक यह है कि सोयाबीन का 5400 रुपये समर्थन मूल्य तय है और बाजार में वो 2200 से ऊपर नहीं जा रही है, इस ये भी ये बातें भी वहाँ पर प्रभावित करेंगी चुनाव को। देखिए किसान निश्चित रूप से बहुत जागरूक हुआ है, अपने अधिकारों को लेकर बहुत जागरूक है, और आप देखिए कि जहाँ भी जाते हैं ये जो पहले प्रत्याशियों का जो विरोध हो रहा है या कहीं गांव में जाने से, ऐसा दृश्य आपको शहरों में नहीं मिलेगा। नहीं मिलता, सही है। हाँ, क्योंकि शहर में लोगों को लगता है यार हमें कोई लेना देना ही नहीं है, वो ना वोट देने जाता है ना बात करता है ना, लेकिन गाँव में आज भी जागरूकता है और वो अपना विरोध दर्ज कराता है और ये सामने आ रहा है। बिल्कुल, तो हम ये कहें कि वो आदिवासी मतदाता है, किसान मतदाता है, लेकिन वो बहुत जागरूक है और उसको पता है कि हमें क्या करना है। तो अगर ये जागरूक हैं और इनके सामने ये सारी समस्याएं हैं तो ये तो सत्ता पक्ष को नुकसान पहुंचाने के सीधे सीधे संकेत हैं। देखिए हो सकता है, लेकिन मैंने फिर कहा कि जो ये मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, ये जो सत्ता को प्रभावित करने वाली बातें हैं, मध्य प्रदेश के जो पिछले विधानसभा चुनाव थे कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्होंने मंदसौर वाली घटना को बनाया था किसानों पर गोलीबारी वाली। हाँ। तो इस बार भी किसान प्रभावित करेंगे चुनाव को? नहीं, किसान तो निश्चित रूप से पूरे चुनाव को प्रभावित करता ही है, हर जगह प्रभावित करता है जी। और लेकिन उस समय ये भी था कि 15 साल लगातार शिवराज सिंह का एक चेहरा देखने से कहीं ऊब भी आ गई थी लोगों में, और वो एक ऊब जो है वो भी सत्ता में बदलाव का एक बड़ा कारण बनती है। हालांकि अभी ये जो 15 महीने की अभी एक सरकार, मतलब शिवराज जी की भी 7-8 महीने की सरकार हो चुकी है, तो ये वापस अपनी उम्मीदों पर खरे उतर पाए हैं? जैसे लोगों ने पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी के चलते उनको सत्ता से बेदखल कर दिया था, वापस फिर आए हैं अपने तरीके से, तो इसका भी फर्क पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो पिछली बार जो शिवराज सिंह का जो ग्लैमर था और अभी वो जिन बैसाखियों पे चल रहे हैं, पहले वो खुद के दम पे दौड़ रहे थे, आज बैसाखी के सहारे वो खड़े हुए हैं, अभी तो वो खुद को टिकने के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने सभा में खुले रूप से कहा कि भाई मुझे टेम्परेरी से परमानेंट करना है तो आपको देना है, तो अभी तो वो खुद लोगों से मांगने की स्थिति में, वो क्या देने की स्थिति में? जो उनकी मार्मिक अपील है ये काम करेंगे? कोई भावनाओं में बहने वाला वोटर नहीं है, वो अपनी समझदारी के साथ काम करता है और मुझे लगता है कि वो समझदारी शायद चुनाव में दिखेगी यदि निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो। मांधाता विधानसभा के बारे में आपने शुरुआत में कहा था कि वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें अच्छी है, लेकिन हम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हम इंदौर से जब हनुमंते आते हैं तो ही नज़र आता है, लेकिन हम खंडवा से जब हनुमंतिया या बूंदी पुना से जाते हैं तब ये इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र नहीं आता, तो इसके पीछे मतलब स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं की नाकामी है या कोई और कारण है? दोनों बराबरी के, जो सड़क बूंदी से खंडवा आती है वही सड़क खंडवा से बूंदी भी जाती है, तो दोनों विधायक बराबरी के जिम्मेदार हैं। क्या खंडवा के विधायक को नहीं लगता कि हमारे लोगों को बूंदी जाने के लिए अच्छी सड़क होनी चाहिए? सही है, हम कोई दूसरे प्रदेश में नहीं जा रहे, दूसरे देश में नहीं जा रहे, तो ये दोनों बराबरी के, अकर्मण्यता दोनों तरफ बराबरी की है। हालांकि आधी विधानसभा शायद इसी रोड पर पड़ती है, मांधाता का बहुत सारा हिस्सा, चूंकि जावर तक आ जाता है। हाँ? जावर के बाद से मांधाता लग जाता है। हाँ? तो ये भी काफ़ी प्रभावित कर सकता है उसको अगर स्थानीय लोग वहाँ पर जाएँ तो। और दूसरे कोई ऐसे मुद्दे आपको लग रहे हैं कि जो इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए मुझे तो लग रहा है कि सबसे पहले तो हम यदि जो वैचारिक स्तर पे देखें तो बीजेपी का जो अपना सोच है, संघ का जो सोच है, मतलब वो जो संघ का केमिकल है वो हर चीज़ को सॉल्यूबल नहीं है, उसमें हर चीज़ घुलनशील हो जाए ऐसा होता नहीं, तो संघ की उस मानसिकता में भले आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फोटो अपने दफ्तरों में लगा लो, लेकिन क्या वो उस वैचारिक मानसिक वैचारिक उसको आत्मसात कर पाएंगे? यहाँ के जो कांग्रेस नेता कल तक संघ के बीजेपी के लोगों को खुलेआम गालियाँ बकते रहे हैं, क्या वो संघ अंदर से अंदर जागृत हो जाएगा उनके? तो ये जो चीज़ है कि जो लोग विशुद्ध रूप से कि वो सत्ता के लिए इकट्ठा होकर के कहीं गए हैं, ये सत्ता के लिए वापस भी तो जा सकते हैं। हाँ, तो मतलब ये तो बीजेपी के लोग अपने आप टिटके हुए, उन्हें लग रहा है कि ये कोई उन्हें अंदर की कुंठाएं आप महसूस करेंगे जब बीजेपी के एक सीनियर कार्यकर्ता जो इतने साल तक कांग्रेस से लड़ता रहा है और वो जैसे ही कोई कांग्रेस का छोटा सा नेता आया तो उसको खड़े होकर कुर्सी खाली करनी पड़ रही है। सही बात है। तो आप वो सोचो कि बीजेपी ये घुल जाएगी ऐसे पानी में शक्कर की तरह, ये जो नए लोग जुड़े हैं मुझे नहीं लगता, तो इसलिए ये अलग ही दिख रहा है। मांधाता में भाजपा के एक बड़े नेता हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी,
उनका बीच में बनाया बयान आया था कि मैं हनुमान बन के नारायण के साथ में रहूँगा, तो रह पाएंगे वो? देखिए आप भी जानते हैं ये सारी चीज़ों को कि नेताओं के बयान क्या होते हैं, है ना। एक एक शेर है वो एक गज़ल में एक शेर है, तुझे भूलने की दुआ करूं तो दुआ में मेरी असर ना हो। तो ये नेताओं की अपीलें वैसी ही होती हैं कि अपील भी करूं उसको वोट भी ना मिले। सही बात है। तो नेताओं की अपीलें, नेता क्या बोलते हैं और हम भी जानते हैं कि क्यों बोलते हैं। सही बात है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार श्री जयनगड़ा साथ में थे, उन्होंने मांधाता विधानसभा चुनाव को लेकर हर मुद्दे पर बात करी। मांधाता विधानसभा चुनाव में परिदृश्य क्या होगा ये तो एक भविष्य की बात है, चुनाव के परिणाम क्या होंगे ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन अभी वहाँ पर जो परिदृश्य बना हुआ है, अभी जो सारी परिस्थितियाँ वहाँ पर निर्मित हो रही हैं, रोज़ नए नए उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसको लेकर के बहुत विस्तार में नगड़ा जी ने हमसे सारी बात करी। तो नगड़ा जी, इस पूरे आयोजन में हमारे साथ में रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मेरी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा मंच दिया, थैंक यू। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए, लगातार देखते रहिए SW न्यूज़ 24। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे, आपके मुद्दों को इसी तरह उठाते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW 24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना